चर्चा करना चाहता हूं। पहला कि आप संकल्प लेंगे कि उसका कारण भी मैं आपको हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले आजकल चूंकि अब हथुआ है, हथुआ में राज्य के दो पूर्व मुख्यमंत्री वहां विराजमान रहे हैं, कहते हैं उनके राजनीति के जो वारिस हैं कि विकास नहीं हुआ है, विनाश हो गया बिहार का, तो आईना हमारा है गांव का विकास। तो जरा उनके गांव की ओर दौरा कर लीजिए, उन्हीं का गांव, दो दो हैं, अपने गांव का विकास नहीं कर पाए और दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। कोरोना काल में पंचायत है चुनावचक 196 लोग बाहर थे, सबका नाम पता मेरे पास है, सबके खाते में राशि अंतरित की गई। फुलवरिया वहां 352 लोग राज्य के बाहर थे कोरोना काल में, उनको भी स्थानांतरित किया। अब सवाल उठता है कि केवल हथुआ में, मैं बता रहा हूं 9490 लोग हथुआ और फुलवरिया प्रखंड के बाहर में थे, उनके लिए राशि हम लोगों ने अंतरित किया। जो नए राशन कार्ड बने उन लोगों को भी पैसा दिया गया। और विकास के बारे में इनकी रुचि केवल यह थी कि हमारा नाम हो जाए। अब मैं बता रहा हूं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का आपसे बड़ा प्रभाव, राबड़ी चुरामंचक, और वहां क्या हाल था, वहां राबड़ी देवी उच्च विद्यालय बनाया गया, विद्यालय का भवन उन्होंने नहीं बनाया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में 16 कमरे बनाए हैं, 16 कमरे। सर्व शिक्षा अभियान पहले शुरू हो गया था, क्यों नहीं बनाया था, वहां के बच्चे चरवाहा विद्यालय में पढ़ते, पहलवान विद्यालय जाते। और चुरामन चक में 15 विद्यालय में 83 कमरों का निर्माण हुआ, 3,09,11,000। और ग्राम सेलार कला में 5 विद्यालय में 27 कमरे का निर्माण, 1,77,42,000। नाम तो अपना करवा लिए थे लेकिन विद्यालय भवन बनाने की चिंता इनको नहीं थी। अब हम बताना चाहते हैं मित्रों आपको, इसलिए हम समय आपसे ले रहे हैं, हम लोग भाई हमारे पार्टी का कोई नेता जमीन उमीन नहीं लिखवाता है, किसी से नहीं लिखवाता है, ये धंधा हम लोग नहीं रहते हैं। और रोजगार के अवसर मिले, वहां शिक्षकों की बहाली हुई, सामान्य वर्ग के 13 शिक्षक, पिछड़ा वर्ग के 14, अति पिछड़ा 9, अनुसूचित शिक्षक कुल 43, महिला को भी रोजगार के अवसर के लिए जमीन नहीं लिखना पड़ा, कोई जनता दल का कार्यकर्ता उनसे जमीन नहीं लिखवाया, राज्य सरकार की नीति के तहत उनको नौकरी मिली। उनके घर काम दे रहे हैं साहब, हर घर नल जल योजना, पानी तक नहीं पहुंचा पाए अपने गांव के लोगों को, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे, कुल 14 वार्ड थे, योजना की कुल लंबाई है 10 किलोमीटर, 85 सेंटीमीटर, उस पर काम चल रहा है। ग्राम सेलार कला में 2 योजनाएं थी, पूर्ण हो गई। ग्राम सेलार कला में नाला और भौतिक कार्य की प्रगति पर है। अब बिजली का हाल क्या था, जब ये लोग जाते थे तो गांव में बिजली जलती थी, 22 से 23 घंटा आज बिजली है और 1,751 उपभोक्ता है, नए तार लगाए गए 6.9 सर्किट किलोमीटर। ये हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि आप चुवान चलाइए, आज नए तार लगाए गए सेलार कला में 900 सर्किट मीटर, 1,30,000 का लागत था, इतना भी नहीं कर सकते थे, अपने पैतृक गांव में भी इतना नहीं कर सकते थे। पेंशन योजना के तहत क्या गुना था वहां के अति पिछड़ा का, अल्पसंख्यक का, तो अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग के लोगों का, उन लोगों का भी अगर मकान बनाने का काम किया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में 164 घर बनाए गए। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि आप जरा जुबान चलाइए। चलिए फुलवरिया वार्ड नंबर 13 है उनका घर, एक ट्रांसफार्मर था, आज है 4 ट्रांसफार्मर वहां लगा हुआ है, 4 ट्रांसफार्मर वहां लगा हुआ है, ये सच है कि नहीं, ये सच है आज बताइए। और क्या कर, हमको ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं राजनीति में,
हम दल के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हमारा कुछ संस्कार नहीं रहा है। हमारे माननीय विधायक वहां मंत्री परिषद सदस्य हैं, उन अपने विधायक निधि से इनके घर, इनके भाई के घर में के पास वहां भी चापाकल हमने लगवाया, हमारे विधायक ने लगवाया। यह नहीं सोचा कि किस परिवार के हैं, क्या इनका रिश्ता है, यह हमारा है। इसका पर्याप्त डाटा मेरे पास उपलब्ध रहता है। कमल यादव जी, मंगरू यादव जी के बेटा के घर के पास चापाकल विधायक निधि से लगवाया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और तेली टोला की जाने वाली सड़क है, समाज के अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, उनका सड़क नहीं बनवाया था, उनका सड़क नहीं बना। आज उनके सड़क के लिए भी, जो अति पिछड़ा समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी माननीय मंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दिलवाई और वह कार्य भी अब जल्द से जल्द शुरू होगा। जो तेली समूह के लोग, सामाजिक समूह के लोग, वो क्या अति पिछड़ा होना उनका गुनाह था? क्या उनकी सड़क बनाने का उनको अधिकार प्राप्त नहीं था? यह हालात थे। पंचायत शिक्षक में हम लोगों ने बहाली किया 5, तालमी मरकज में 2, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 6, स्वास्थ्य सेविका आशा ममता मित्र, ये समाज के वंचित लोग तब्त के जो लोग थे, किसी को जमीन नहीं लिखना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जिन उनको अपने अपने जो उनकी प्रतिभा थी, जो उनकी योग्यता थी, उसके आधार पर उनको नौकरी मिला। बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं क्या क्या हुआ है, इसमें तो हमको बताने की बहुत जरूरत है नहीं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं मित्रों कि थोड़ा सा जुबान चलाइए, जुबान चलाना जरूरी है। अभी मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अनुसूचित जाति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 19-20 के अंतर्गत 80.609 किलोमीटर के लिए 605,83,03,000 रुपया। और यह भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि COVID-19 के दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अब फुलवरिया रेफरल अस्पताल में भी कोरोना की जांच अगले सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कार्यकर्ता मित्रों से ही हम निवेदन करेंगे कि